वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, इस वक्त हम कोरोना वायरस की लड़ाई के किस मुकाम पे हैं, मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे। इमेजिन करिए कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं और आपको सामने से सुनामी आती दिख रही है। आपको पता है कि अगर आप वहां खड़े रहे तो आप खत्म हो जाएंगे। जितना तेज आप भाग सकते हैं आप भागेंगे, क्योंकि आपके पास एक ही चांस है अपने आप को बचाने का। तो दोस्तों, बस ऐसा समझ लीजिए कि इस कोरोना से भी अपने देश को बचाने का हमारे पास बस यही चांस है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप सभी हमारी सरकार के आदेशों का पालन करिए। लॉकडाउन है तो घर पर बैठिए। अब बताती हूँ कि क्या भारत भी कोरोना का एपिसेंटर बनेगा। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह चाइना का वुहान और यूरोप का इटली इस घातक वायरस का एपिसेंटर बना, उसी तरह भारत भी इस वायरस का एपिसेंटर बन सकता है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं जो ये बताए कि हमारे देश में कोरोना के केसेस की संख्या दुनिया के दूसरे देशों से अलग या कम होगी। इटली और अमेरिका जैसे विकसित देशों तक को इस वायरस ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन देशों के आंकड़े अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन देशों में जहां आबादी हमारे देश के मुकाबले कम है, मेडिकल फैसिलिटीज हमसे बेहतर है, सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, पर इन सब के बावजूद हजारों में लोग संक्रमित हैं। बस फर्क ये है कि जिन देशों की मैंने बात की उनकी तुलना में हम बस एक दो हफ्ते पीछे हैं। आने वाले एक दो हफ्तों में हमें कोरोना वायरस के मामलों की सुनामी देखने को मिल सकती है, जैसा कि अभी इटली और स्पेन के साथ हो रहा है या फिर अतीत में चाइना के साथ हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको हमारे देश की कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है बताऊंगी। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही आप सभी के साथ शेयर करूं, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कोरोना के दर्ज मामले इतने कम क्यों हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि अगर हम ज्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे तो ज्यादा मामले सामने आएंगे, लेकिन जहां तक अंडर टेस्टिंग की बात है तो ये दुनिया भर में हो रहा है। और इस बात का शक जताया जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में ज्यादा टेस्टिंग होगी तो भारत में कोरोना के मामलों की संख्या हजारों में जाएगी, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंडिया में इस वायरस का ट्रांसमिशन बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से हो सकता है, क्योंकि इंडिया की आबादी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारा पॉपुलेशन पैटर्न चाइना की तरह है, ना कि यूरोप की तरह। और स्टडीज में ये पाया गया है कि एक संक्रमित इंसान कम से कम दो और लोगों को संक्रमित करता है, तो ये चेन डबल की स्पीड में मल्टीप्लाई होती जाती है। हमें इस चेन को तोड़ना है, इसलिए हमें कम से कम लोगों के कॉन्टैक्ट में आना है, कर्फ्यू और लॉकडाउन को सीरियसली लेना है। तो अब देखते हैं कि भारत में कोरोना के कितने मामले सामने आ सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल से जो एस्टीमेट ड्राइव हो रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं कि ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस किस तरह फैलते हैं, उनके अकॉर्डिंग अमेरिका और यूके की टोटल पॉपुलेशन का 20% से लेकर 60% लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। अगर हम इस अनुमान का लोएस्ट यानी कि न्यूनतम आंकड़े अपने देश पे अप्लाई करें, ध्यान दें मैं यहाँ मिनिमम परसेंटेज ले रही हूँ, तो भारत की 20% आबादी के इसके चपेट में आने का मतलब है 30 करोड़ लोगों का इसके चपेट में आना। और अगर 5 में से एक या फिर मान लो 10 में से एक ही अगर गंभीर मामले भारत में हुए, तो इसका मतलब हुआ 40 से 80 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। अब आता है सवाल कि क्या भारत का हेल्थ केयर सिस्टम इन क्राइसिस से निपट सकता है। इंडिया के पास NHS टेस्टिंग लैब्स या पर्याप्त सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल्स नहीं है। इंडिया में सिर्फ 70,000 से 1,00,000 तक ही ICU बेड्स की फैसिलिटी है, जो कि भारत जैसे आकार वाले देश के लिए बहुत ही छोटी संख्या है। एंड दिस इज समथिंग रियली वरिंग। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इस वायरस के खिलाफ कुछ परमानेंट तैयारी करी जाए। सिर्फ 2 हफ्ते हैं हमारे पास, हमें वो सब करना है जो चीन ने किया, जैसे कि टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स बनाना, कुछ स्टेडियम्स को टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स खरीदना। जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में बात नहीं करूंगी, मेरा फोकस बस यहाँ उन चीजों पर है जो हम आने वाले अगले 2-3 हफ्तों में कर सकते हैं, बिकॉज द सिचुएशन इज व्हाट इट इज। तो हम अपने घरों में लॉक रहें, संक्रमण की चेन को ब्रेक करें।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो अपना ध्यान रखें और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।